नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। नए रंग रूप में आपके सामने हाजिर है, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। ओमिक्रॉन, जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो अब हम सभी की चिंताओं को बढ़ा रहा है। लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी जो टेंशन है उसका बढ़ना लाजमी है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 2 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। वहीं अगर पूरे देश भर की बात करें तो 40 केसेस भारत में सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। ऐसे में इस बात को लेकर टेंशन बढ़ना बहुत ज़्यादा वाजिब है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन काफ़ी खतरनाक वेरिएंट है, काफ़ी घातक वेरिएंट है। ऐसे में सरकार क्या कुछ सोच रही है, सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या दिल्ली की बात की जाए खासतौर पर, क्या दिल्ली में अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन लग जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी। इस बारे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सरकार की पूरी तरह से तैयारी है। मैंने पहले भी कई बार मैं रिव्यू मीटिंग्स ले चुका हूँ, बेड्स को देखते हुए, ऑक्सीजन की सप्लाई देखते हुए, दवाइयाँ, सब चीज़ की तैयारी है। हम नहीं चाहते कि दिल्ली में ओमिक्रॉन आए की आफत आए, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। कई राज्य पाबंदी भी लगा रहे हैं, तो क्या दिल्ली की कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे? अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम एक्सपर्ट्स के लगातार टच में हैं, अगर किसी भी किस्म की पाबंदी लगानी होगी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, तो हम जरूर वो भी करेंगे कि रश ना हो, वो स्थिति काबू में रहे, और एक्सपर्ट्स से हम बात करके ये निर्णय लेंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अगर थोड़े बहुत लगाने की जरूरत है तो एक्सपर्ट से बात करके हम उस बारे में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो एक्सपर्ट्स से राय ली जाएगी और लगातार उनकी नज़र बनी हुई है। साथ ही ये भी कहा कि रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जाएंगी, साथ ही साथ जिस तरह से अभी न्यू ईयर ईव आने वाली है और क्रिसमस आने वाला है, ऐसे में लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में काफ़ी रश हो जाता है, तो अगर उस वक्त केसेस बढ़े तो फिर एक्सपर्ट्स की राय लेकर उस दौरान भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं, ये भी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अभी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 2 ओमिक्रॉन के केसेस आ चुके हैं। वहीं अगर कोविड की बात की जाए, कोरोना वायरस के टोटल केसेस अभी कितने हैं, पिछले 24 घंटे का क्या हाल है, तो अगर मौजूदा कोरोना का हाल देश की राजधानी में क्या है, इसके बारे में बात की जाए तो आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अभी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ क्या कहता है। 13 दिसंबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिव मामले 30 सामने आए हैं, पॉजिटिविटी दर 0.06% है। इसके अलावा राहत की खबर ये है कि मौत का जो कॉलम है वहां पर अभी 0 ही नजर आ रहा है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में अभी 199 लोग हैं, जबकि 393 एक्टिव मामले अभी इस वक्त दिल्ली में हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है, और जिस तरह से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है उसके बाद एक्सपर्ट्स बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपना मास्क चेहरे पर ज़रूर लगाएं। कहीं भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी भीड़भाड़ है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हमारी जो लापरवाही है वही हमारे लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है। साथ ही साथ सरकार को भी यहाँ पर गंभीरता से सोचना होगा कि जिस तरह से तमाम पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, ऐसे में जब ओमिक्रॉन वेरियंट के केसेस सामने आ रहे हैं तो फिर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।